23 फरवरी से 7 मार्च तक स्कूल कॉलेज कोचिंग क्लासेस और साप्ताहिक बाजार पूरी तरह बंद रहेंगे, जबकि शनिवार और रविवार को अत्यावश्यक सेवाओं को छोड़कर सभी तरह की व्यापारिक गतिविधियां पूरी तरह बंद रहेगी। सोमवार को 710 नए पॉजिटिव मिलने के साथ ही अब तक जिले में संक्रमितों की संख्या 1,43,843 हो गई है। पिछले 24 घंटे के भीतर जिले में 7,460 लोगों की जांच की गई। पति की प्रताड़ना से परेशान होकर पत्नी ने दूसरी शादी करने की धमकी दी। इस बात से बौखलाए पति ने रविवार की रात पत्नी पर जानलेवा हमला किया। सीतापड़ी थाना क्षेत्र से 3 सीटर ऑटो चोरी करने वाले आरोपी को पुलिस दस्ते ने बुटीपुरी से गिरफ्तार किया। पकड़ा गया आरोपी बुटीपुरी निवासी सुकेश उर्फ सुक्या सिद्धार्थ ढेंगरे बताया गया। नैवेद्यम एस्टोरिया नामक मंगल कार्यालय में अब भोजन पकाने वाले कर्मचारी सहित कुल 8 कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव मिलने से न केवल मंगल कार्यालय बल्कि यहां गत कुछ दिनों में विवाह समारोह में शामिल हुए लोगों में भी खलबली मच गई है। लगभग 3 दशक से शहर में आपराधिक गतिविधियों में सक्रिय संतोष आंबेकर की हालत अब खस्ता। आंबेकर गैंग के खिलाफ 1,863 पन्नों की चार्जशीट। स्टेशन पर स्कैनिंग मशीन के बंद होने से लेकर ऑटो चालकों की धमाचौकड़ी की जानकारी मिलते ही मध्य रेल नागपुर मंडल की मंडल रेल प्रबंधक ऋचा खरे ने सोमवार को स्थिति सुधारने के निर्देश दिए। महानगर पालिका के करार कर शहर का कचरा संचालन करने वाली कंपनी डीवीजी द्वारा 130 कर्मचारियों को बर्खास्त करने का मामला अब तूल पकड़ रहा है, जिसके लिए अब शिवसेना लड़ेगी। मनपा की ओर से अतिक्रमण उन्मूलन अभियान शुरू करने के लिए दिशा निर्देश जारी होते ही लगभग 20 दिनों तक भले ही बदस्तूर कड़ी कार्रवाई होती रही, लेकिन अब यह अभियान सुस्पष्टता दिखाई दे रहा है। सोमवार को डीसीपी जोन 2 विनीता साहू खुद जायजा लेने के लिए सड़क पर उतरी। सीताबड़ी मेन रोड पर फुट पेट्रोलिंग करके उन्होंने दुकानदारों को प्रशासन द्वारा दिए गए दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन करने की अपील की।